आज जो है इट इज लाइक आप सब अलवा ये बीच का लोग तो मतलब 550 565 एसी then you will reach Agonda. Hello everybody, welcome back to the channel. तो आज जो है it is like आप सब सरप्राइज होंगे क्या चक्कर है भाई, सब सवेरे सवेरे। खैर मैं बता रहा हूँ, आप थंबनेल देख के तो समझ गए होंगे। खैर थंबनेल और यू नो टाइटल देख के, तो हम लोग जा रहे हैं गोवा क्रिसमस हॉलीडे। देवांश भाई की हॉलीडे तो फुल फैमिली ट्रिप, रोड ट्रिप। गोवा में दिस ईयर फर्स्ट टाइम वी आर, सभी लोग हैं। देखिए सब लोग हाय बोल दो भाई। तो नहीं नहीं तो थोड़ा बीच में एनीवे वो तो मैं एडिट कर दूंगा। तो जैसा कि मैं बता रहा था, दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट टाइम फॉर मी। मैं मतलब गोवा तो बहुत बार गया हूँ, बट साउथ गोवा इज़ द फर्स्ट टाइम वेयर आई एम गोइंग टू स्टे। वैसे नॉर्थ गोवा में स्टे मार के साउथ गोवा कई बार गया हूँ। वही कैनोलेम और क्या क्या वो बीचेस हैं, भूल जाते हैं नाम। तो अभी आज की जर्नी जो है 3-4 दिन का हमारा ट्रिप है, तो 4 पार्ट्स में होगी ये सीरीज। देखते हैं, हो सकता है डेली अपलोड हो या किसी और दिन हो। ये वीक इन लाइफ, पार्ट ऑफ वीक इन लाइफ में आएगा। प्लस देयर विल बी फूड ब्लॉग्स ऑल्सो। वी आर ट्राइंग टू डू सम फूड ब्लॉग्स, वी विल ट्राई टू डू। गोवा में मछली अच्छी मिलती है तो मछली का तो करेंगे ही। पिछली बार आप हमारा एक वीडियो वायरल जो हुआ था वो था अपना नॉर्थ गोवा का, बागा का, कलंगूट बागा का। हो सकता है इस बार यहाँ का भी कोई वायरल हो जाए, चल जाए, 1-1.5 लाख व्यू आ जाए। तो चलिए बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए हमारी जर्नी। अभी हम वी हैव स्टॉप। देवांश ने दिखाया आपको बाहर, ये पता नहीं सिरा के बाद कोई जगह है, कामधेनु होटल। नाइस, लुक्स नाइस, क्लीन टॉयलेट्स और बढ़िया जगह है। अब नाश्ता करके देखते हैं, बच्चे लोग सब नाश्ता कर रहे हैं। आज मैं भी थोड़ा सा खाऊंगा, 7-8 दिन हो गए नो कार्ब्स, 7 दिन हो गए। तो ये फसला सिडली, डोसे, ये बीच का लोग तो अच्छा लग रहा था। बिजी। चलिए अब नाश्ता वाश्ता हो गया। अब हो गया निकलने का टाइम। कितने किलोमीटर हो गए हमारे? देखते हैं। नहीं मैंने में देखा नहीं था, फिर बाहर वाले में आया उसमें भी नहीं था, फिर वो वहाँ पीने का पानी जहाँ लगा था टंकी वहाँ पे एक दिन नहीं आ रहा था। तो ये जो है हमारा 100 किलोमीटर के आसपास, ज्यादा होगा यार, इसलिए मैंने बोला आसपास। करेक्टली बताना, 450 दिखा रहा है तो अभी कैसे खोलूंगा? तेरे फोन में देखना, 450 दिखा रहा है। हाँ, तो मतलब 510 आई थिंक, 555 तक। या वी आर क्लोज टू सिरा नो, हम सिरा के पास पहुंच गए हैं। सर्च करना घर से यहां तक क्या। बढ़िया था, नाश्ता वाज गुड, नाइस ब्रेकफास्ट, सो दिया बच्चों ने तो एज यूजुअल। ये सूतना नहीं होता भाई। क्यों? क्या क्या? दो डोसे खाए, दो डोसे हम दोनों ने चारों ने मिलके खाए भाई। तो चार नहीं, ये अगर गाड़ी में नहीं बैठना होता तो और एक, मतलब मैं तो एक दो डोसे और खा लेता, एक तो कम से कम खा ही लेता अकेला। सुन रहे हैं? चलिए एनीवे अब जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो अभी मौसम तो काफी बढ़िया हो गया। सुबह के कितने बज रहे? 9 बज रहा है और आसमान देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, क्लियर ब्लू। तो अभी जर्नी चालू है और वी हैव रीच्ड अ प्लेस कॉल्ड ब्याडगी। अभी सुना होगा आपने, ब्याडगी बहुत फेमस है चिली के लिए। जो कश्मीरी चिली जैसी चिली होती है ना, वो इसी एरिया से आती है, ब्याडगी चिली। वो मतलब कम मिर्ची वाली कश्मीरी चिली, कलर ज्यादा होता है, समझ रहे हैं ना? वही वाली मिर्ची है ये ब्याडगी, फेमस, वर्ल्ड फेमस चिली है। खैर आजकल तो बहुत कम उगने लगी है, उगती नहीं है, बड़ी महंगी मिर्ची। तो यहाँ से अभी दिखा रहा है कुछ 300 किलोमीटर और है गोवा। तो मेरे ख्याल से लगेगा एक 4-4.5 घंटे और। हम भी आराम से चल रहे हैं 100-150 की स्पीड पे। 150 नहीं, 100-120। देखो कैसे देख रही है। ऐसा बोल रहे हो 150 की स्पीड आराम से हुई क्या? 150 बोला तो एकदम ऐसे देखने लगी। चलिए जर्नी 40 तक 7 8 9 10 11 12 13। मैं सुना पूरी 100 119 20 21 22 23 24 25 25 के बाद 25 के बाद 27। तू मत बोलना देवान। 26 26 27 28 19। बोल दिया, क्या होता है? 27 28 29 को स्किप कर दो, 30 उसके बाद नहीं बोलो। हाँ तो लगाओ ना दिमाग। Now we have taken a diversion from National Highway Hubballi Dharwad road से अब कारवार की ओर जो रोड जा रही है उस रोड पे आ गए हैं। अब स्पीड इज गॉन, इसीलिए यहाँ से ज़्यादा टाइम लगता है। रोड तो इज ओके बट मुस्कुराइए, हम फॉरेस्ट में हैं। ये जो है फॉरेस्ट का एरिया। जो फॉरेस्ट रेंज आया वो था टोनी वना उद्यान वना, टोनी विहार, ऐसे ही बोलते हैं आजकल के हमारे बच्चे बेंगलोर वाले। तो आप चलते हैं, अब सीधे वहीं पे मिलेंगे रिसोर्ट पे गोवा एंटर करने के बाद, बिकॉज अभी ये कर्नाटका क्या दिखाना है ना। चलिए तो बढ़िया सूरज चमक रहा है हमारे चेहरे पे, एकदम ब्राइट लग रहा है चेहरा। पहुंच गए हम लोग गोवा। थोड़ा वो अलाइनमेंट का काम था वो करवा लिया, लग रहा है था अलाइनमेंट पूरा आउट। और ऑफ रोडिंग की थी ना मशीनगुड़ी में, तो उसके चक्कर में हो सकता है बिग डिफरेंस इन रोड्स। गोवा में रोड जो है बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास। यू कैन मेक आउट दैट स्टेट चेंज हो गया है। चलिए अब रिसॉर्ट चल के मिलेंगे आपसे। ये ड्राइव जो है, जो रिसॉर्ट हमने बुक किया है, रामा रिसॉर्ट, तो ये बिल्कुल एकदम इंटीरियर अगोंडा साइड पे है। अ वेरी गुड ड्राइव, पूरी फॉरेस्ट के बीच में से, फॉरेस्ट टाइप फीलिंग है, फॉरेस्ट तो नहीं है, मतलब वेस्टर्न घाट के पहाड़ और यू नो दैट टाइप ऑफ सेटिंग। लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। और हम सीधे जा रहे हैं टुवर्ड्स द बीच, सीधा बीच की तरफ जा रहे हैं। और बीच में जाके देन वी हैव टू, मतलब बीच के बगल में जो रोड होगी अगोंडा बीच, उस रोड पे ये रिसॉर्ट है, रामा रिसॉर्ट। डिवाइड स्ट्रेट ना, अब आ गया है यहाँ पे। देखिए बड़ा बढ़िया लग रहा है। ये हमारा रिसॉर्ट भी बस पास ही है। वी शुड बी अराउंड 200-300 मीटर्स, है ना, 500-600 मीटर्स। और ये चहल पहल है, पूरे फॉरेनर्स हैं यहाँ पे। गेट के बाद से लेफ्ट लेना, इधर से लेंगे, इधर से लेना पड़ेगा, इधर लेफ्ट। अगोंडा बीच, सामने बीच है। एनीवे वी आर गोइंग टू स्टे इन द बीच प्रॉपर्टी ओनली। टीटोज ऑरेंज स्काई। और ये है अपना कॉटेजेस हियर, ये सब नॉर्मल कॉटेजेस हैं। सामने समुंदर है, दिखाऊंगा थोड़ी देर में, वो देखिए। और ये अपना रूम, देवांश ने रूम खोल दिया है। जो स्मॉल, एक स्मॉल सिट आउट है यहाँ पे। ये देखिए, ये स्मॉल सिट आउट, दिस इज द रूम। एसी रूम। तेरा तुम्हारा भी तो ऐसे ही है, सेम। आपको बस वाईफाई राउटर लगा है, उससे पूछा पासवर्ड। लाइट जला, चला गया। ये है बाथरूम यहाँ पे, अंदर भी लाइट होगी। नाइस, वेरी नाइस। तो दिस रूम हैज कॉस्टेड अस अप्रॉक्सीमेटली 6,000 पर नाइट, विच इज रीजनेबली गुड प्राइस कंसिडरिंग द सीजन। अभी जो सीजन चल रहा है क्रिसमस का, और ये काफ़ी एसी वेसी सब चल रहा है। चलिए अब आपको वहाँ पे दिखा के आता हूँ मैं थोड़ा सा, बीच साइड में क्या सीन है। तो दिस इज़ हाउ द रिसॉर्ट लुक्स लाइक। मैं अपने रूम से अभी निकला और अब वॉकिंग टुवर्ड्स, बोथ साइड्स आर रूम्स हियर। वी आर लिटिल अवे फ्रॉम द रेस्टोरेंट एरिया, There is a restaurant there. अरे अपना रूम नंबर क्या है? C2. Nice it is. Beautiful. Small, cozy, cozy place. बाकी तो आपको सवेरे ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। ऊपर भी रूम है इनके। ये है रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट से ये है व्यू, अगोंडा बीच, राइट एट द बीच। वो उधर हमारे रूम है, वो देखिए वो रूम, और ये बीच, बैंग ऑन द बीच। लवली सनसेट। तो अभी बीच साइड हमारे कैफे पे मस्त चाय पी रहे हैं, गरम गरम चाय। अभी पकोड़े आ रहे हैं, अनियन पकोड़े, गरम गरम अनियन पकोड़े और मिक्स वेज पकोड़े। देवांश ने स्पेशली पनीर पकोड़ा ऑर्डर किया है। तो लिटिल फन हो रहा है। ब्यूटीफुल प्लेस, वेरी नाइस। आई एम वंडरिंग भाई, मैं हमेशा नॉर्थ गोवा जाता था। ये देखिए संदीप भाई हमारे लिए क्या लेके आए हैं, पकोड़े। वाह, मुस्कुराइए आप, अगोंडा बीच में है। वाह, अरे तुम्हारे शेफ से बात हो सकती है क्या? हैं, बुलाओगे एक मिनट के लिए? अभी नहीं, तो जब फ्री हो जाए। हाँ, कब फ्री होएगा? पूछो उससे, बोलो हमारा YouTube चैनल है, फूड रिव्यू वगैरह करते हैं। तो हम लोग सब जगह का बनाया, अभी हमने नॉर्थ गोवा का बनाया था 6 महीने पहले। तो गाइज देखा आपने, आज सवेरे से फर्स्ट क्लास ड्राइव बैंगलोर से अगोंडा बीच, रियली मेस्मराइजिंग यार। A few things which I want to talk about today's trip is that अगर आप आ रहे हैं साउथ गोवा तो डोंट टेक दिस रोड जो गूगल सजेस्ट करता है। हॉरिबल रोड, बहुत ही गंदी रोड है और इट इज़ परपेचुअल अंडर कंस्ट्रक्शन, फॉरेस्ट के थ्रू है ऑल दो, बट बेटर यू गो टू हुबली। हुबली से एक लेफ्ट टर्न आती है कौन सी, अंकोला के लिए ना, अंकोला। और कहाँ खाना खाया था हमने? येल्लापुर हाँ, येल्लापुर ऐसा, येल्लापुर करके कोई जगह है, येल्लापुर, अंकोला, देन कारवार। तो यू टेक द रोड फ्रॉम हुबली टू कारवार, देन यू विल रीच अगोंडा एंड दैट्स अ प्रीटी गुड नेशनल हाईवे एंड ट्रैवलिंग टाइम माइट बी लिटिल लॉन्गर, बट आई फील रोड कंडीशन देख के कि यू कैन मेक अप द टाइमिंग। Number 2, I am not exaggerating. First time I am staying in South Goa, and that too वो कैनन क्या एक दो बीच है यार, नाम देखना क्या है इधर पे, साउथ गोवा के फेमस बीच, साउथ गोवा पालोलेम। हाँ, पालोलेम। और वो वहीं पे अटक जाते थे हम लोग आके, नॉर्थ से आते थे, स्टे वी यूज्ड टू डू इन नॉर्थ, और पालोलेम और इन जब सब जगह पे आके खाना वाना खा के चले जाते। बट आई एम टेलिंग यू मस्ट कम हियर, अमेजिंग एम्बियंस, ब्यूटिफुल सेटअप एंड लाइन से यू हैव ब्यूटिफुल लाइक वही वाइब्स है, सेम नॉर्थ गोवा वाली वाइब्स, सेम पार्टी सीन एंड क्राउड इज़ वेरी पॉलिश्ड, वेरी नाइस। एंड आज देखिए क्रिसमस वीकेंड है, फिर भी देखिए ऐसा नहीं कि गदर मचा हुआ है। पीसफुल बीच के बगल में बैठे हुए हम लोग, एकदम साफ बीच, It looks like a personal beach. So always recommended, please come to Agonda. And line से we are staying in a Rama Resort. आपको रूम टूर दिया था मैंने. Excellent service also. देखिए गरम गरम पकोड़े आ गए. एक राउंड पकोड़े हो गए, अब दूसरा आया है राउंड पकोड़ा. Reasonably priced rooms, approximately I think 6,000 रुपीज़ का एक रूम है. वो डिलक्स रूम है और बाकी तो आई थिंक 4-5 हज़ार रुपये के हैं. ए सी रूम्स, बैंग ऑन द बीच, प्राइवेट बीच की तरह है ये. तो कभी आए तो यहाँ पे ज़रूर रुकिए. और क्या आज के लिए, आई थिंक आज काफ़ी लंबा हो गया. आज का दिन यहीं क्लोज़ करते हैं. कल सवेरे आपको फिर मिलेंगे. तो इस गोवा सीरीज़ में लॉट ऑफ फूड ब्लॉग्स विल बी देयर, लॉट ऑफ घूमना फिरना, वॉकिंग, मस्ती, जे वॉकिंग जिसे कहते हैं, बीच वॉकिंग, और क्या हो सकता है. खाना पीना तो होगा, लॉट ऑफ सी फूड, तो वो सब देखने को मिलेगा. आई होप यू लाइक द वीडियो. बने रहिए. कल एक और नया दिन, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, लाइक दैट. 4 days कंटिन्यूसली प्लस सम फूड ब्लॉग्स कंटिन्यूसली. There are a lot of content coming in. If you like the content, if you like the video, please like and subscribe. और इसी तरह की बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ. Bye, good night.